हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो चुकी है, आपके टू पिंक लाइन आ चुकी है, तो अब आपको नेक्स्ट क्या करना है। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये चेक करें कि आपकी जो पिंक लाइन आई है वो एकदम क्लीन आई है, यानी कि डार्क पिंक लाइन आई है। अगर दोस्तों आपकी पिंक लाइन लाइट पिंक लाइन आई हो, यानी कि एक लाइन तो सही है लेकिन जो प्रेगनेंसी कन्फर्मेशन वाली लाइन है वो लाइट पिंक है, तो दोस्तों आपको 2-3 दिन बाद या 4 दिन बाद आपको अगेन टेस्ट करना चाहिए प्रेगनेंसी टेस्ट। इसमें डार्क पिंक लाइन आने में 1 हफ्ता भी लग सकता है। लाइट पिंक लाइन दोस्तों तब आती है जब आपकी प्रेगनेंसी थोड़ी सी छोटी हो, क्योंकि ये जिस हार्मोन की वजह से आती है, जो बीटा HCG हार्मोन होता है उसकी वजह से ये आती है। लेकिन अगर वो हार्मोन पूरी तरह से, यानी कि जब बहुत अच्छी सी प्रेगनेंसी सेट हो जाती है, तब वो हार्मोन काफ़ी अच्छी मात्रा में हो जाता है। लेकिन लाइट पिंक लाइन आई है, इसका मतलब आपकी प्रेगनेंसी भी पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुई है, तो आप डार्क पिंक लाइन आने का वेट करें। फिर अगर आपकी 1 हफ्ते या 2-4 दिन बाद आप चेक करते हैं तो आपकी डार्क पिंक लाइन आ गई है, तो आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये कंफर्म करें कि आपके आसपास कौन सा हॉस्पिटल अच्छा है या फिर कौन सी गायनोकोलॉजिस्ट अच्छी है। इसके लिए दोस्तों आपकी फैमिली में अगर पहले किसी ने डिलीवरी करवाई है या इस तरह की प्रॉब्लम्स जैसे कि प्रेगनेंसी के बारे में रूटीन टेस्ट करवाए हों, तो आप उनसे बात कर सकते हैं। और अगर आपकी प्रेगनेंसी को डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं फैमिली में अभी, तो दोस्तों आप जिस भी हॉस्पिटल में जाएं, सबसे पहले वहां जब आप रिसीप्ट बनवाएं तो आप ये बात कर सकते हैं कि यहाँ सबसे अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट कौन सी है। दोस्तों, सारे डॉक्टर्स ही अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ एक डॉक्टर्स इतनी एक्सपीरियंस और अच्छी होती हैं कि अगर प्रेगनेंसी में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती हैं तो उनके लिए सही सजेशन दे देती हैं, और अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं तो उसमें भी आपको काफ़ी अच्छी हेल्प मिल जाती है। तो दोस्तों, जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो उसके बाद हमें अच्छे डॉक्टर से मिलना चाहिए। उसके बाद दोस्तों जो डॉक्टर्स होती हैं वो आपको मेडिसिंस और आपके जितने भी एसेंशियल टेस्ट होते हैं वो सारे टेस्ट इसके अंदर किए जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका HIV टेस्ट, आपका थायराइड टेस्ट, आपके ब्लड टेस्ट, इस तरह के बहुत सारे टेस्ट डॉक्टर्स करती हैं। और अगर आपकी प्रेगनेंसी 8 हफ्ते से ऊपर की होती है तो आपका एक बार अल्ट्रासाउंड भी करके देखा जाता है कि बेबी की हार्ट बीट आ चुकी है या नहीं। दोस्तों, इससे ये क्लियर हो जाता है कि आपकी प्रेगनेंसी में अगर कोई छोटी मोटी समस्या है तो टाइम से ही वो क्योर हो जाती है। अगर कोई हार्मोनल चेंजेज आपकी बॉडी में हुआ है, जैसे कई लेडीज़ों के थायराइड हार्मोन बढ़ जाता है, कईयों के कोलेस्ट्रॉल, तो कईयों के शुगर लेवल बढ़ जाते हैं, तो इस तरह की भी जो प्रॉब्लम होती हैं उनकी डॉक्टर साथ के साथ मेडिसिन दे देती है। दोस्तों, पहले के ज़माने में हमारे घर में दादियाँ नानियाँ भी होती थी जो हमें प्रेग्नेंट होते ही बहुत सारी एडवाइस दे सकती थी, लेकिन आजकल हम ज़्यादातर न्यूक्लियर फैमिलीज़ में रहते हैं और आजकल बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेडीज़ को हो जाती है, जैसे कि थायराइड की प्रॉब्लम होना आजकल बहुत कॉमन हो गई है, किसी का शुगर बढ़ रहा है, किसी का BP हो रहा है, तो आप बिल्कुल देर नहीं करें हैं। जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी कन्फर्म होती है आपको सबसे पहले इमीडिएट डॉक्टर से मिलना चाहिए, वही आपको बताती हैं कि आपको कौन कौन से टेस्ट करने हैं, आपकी प्रेगनेंसी कितनी फिट है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपको क्या क्या मेडिसिन लेनी है, आयरन कैल्शियम कितनी मात्रा में लेना है, कोई हार्मोनल अगर आपके चेंजेज हुए हैं तो उसको भी कैसे क्योर करना है, साथ ही आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तो ये सारी चीज़ों का जो आपको एडवाइस है वो आपको हॉस्पिटल में मिल जाता है। तो दोस्तों, आपको सीधा डॉक्टर से मिलना है। तो दोस्तों, आई होप आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो जरा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली में वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्दी इसी तरह की नई वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।